बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के साथ वक्त बावरचन में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर करूंगी जिससे आपके घर के तमाम कॉकरोच न सिर्फ ख़त्म हो जाएंगे बल्कि आइंदा के लिए कभी भी आपके घर का रुख नहीं करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात कि आपने अपने घर की सफाई का बहुत ही ख्याल रखना है, अपने किचन, अपने बाथरूम और अपने घर को बहुत साफ़ सुथरा रखना है। जितनी आपके घर में सफाई होगी उतने ही कॉकरोच आपके घर में कम से कम पैदा होंगे। तो कॉकरोच को ख़त्म करने का सबसे पहला तरीका घर की सफाई है। उसके बाद आप बाज़ार से भी मुख्तलिफ स्प्रेज़ या पाउडर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक तो वो महंगे भी होते हैं, दूसरे वो केमिकल्स उनमें शामिल होते हैं जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर वो कहीं बच्चों के हाथ लग जाएँ या ऐसे भी खाने की चीज़ों पर पड़ जाएँ तो वो नुकसानदेह हो सकते हैं। तो अगर आप घर में एक कोई रेमेडी तैयार करें तो वो ना सिर्फ आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे बल्कि तमाम कॉकरोच को भी आसानी से ख़त्म कर देंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा पाउडर शेयर करूंगी जो कि आपके कॉकरोचेस को ख़त्म कर देगा। सबसे पहले हमने लेना है तकरीबन 4 चम्मच आटा जो कि घर में मौजूद होता है, चीनी लेनी है तकरीबन 4 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। ये रेमेडी ऐसी है कि इसमें तमाम चीज़ें आपको घर से ही मिल जाएंगी, आपको बाज़ार से कुछ ख़ास ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपने डालना है ये चिली फ्लेक्स, जो लाल मिर्च होता है उसको ग्राइंड करके भी आप बना सकते हैं या आपको आम परसार की दुकान से भी रेडीमेड फ्लेक्स इसके मिल जाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको ये स्टेप मिस ना करें। अब अगली चीज़ हमने इसमें शामिल करनी है बोरिक एसिड। ये आपको किसी भी पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगा और इसको आपने तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच आप इसमें शामिल कर लें। ये देखें बिल्कुल वाइट पाउडर होता है और आसानी से आपको मिल जाएगा। ये भी आपने इसमें शामिल कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं कॉकरोच को अट्रैक्ट करके और उसको ख़त्म करने में मदद देती हैं। चीनी और आटा जो है ये कॉकरोच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसकी तरफ सारे कॉकरोचेस आएंगे इसको खाने के लिए, लेकिन जब ये बोरिक एसिड और ये चिली फ्लेक्स ये भी उनके मुंह में जाएगा तो इससे वो मर जाएंगे। तो ये देखिए हमारा मैजिकल पाउडर तैयार हो गया है और ये तमाम कॉकरोचेस को ख़त्म करने की बेहतरीन रेमेडी है। इसको आप किसी भी बॉटल में सेव करके रख सकते हैं और आराम से आप इसको तकरीबन 1 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको इसके बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, आपके घर से तमाम कॉकरोचेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये मैजिकल पाउडर आप किसी भी बॉटल में रख सकते हैं। ये मेरे पास जो केक्स के ऊपर केक्स की डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल्स इस्तेमाल होते हैं उसकी बॉटल खाली हो गई थी तो मैंने संभाल के रख ली थी। आप भी ऐसे ही बॉटल्स वगैरह संभाल के रखा करें जो कि आपके काम आ सकती हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ इसको और इसका ढक्कन बंद करके रख दूँगी जो और बच्चों की पहुँच से भी दूर रहेगा ये। और जितना आपको चाहिए है आप इस्तेमाल करें। रात के वक्त इसको आप ऐसी जगहों पर डाल दें इस पाउडर को जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कॉकरोचेस का गुज़र हो सकता है। तो ये पाउडर ऐसा है कि ये आपके घर से न सिर्फ कॉकरोचेस का खात्मा करेगा बल्कि और भी जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको भी अट्रैक्ट करके और उनका भी खात्मा करेगा। तो ये बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद पाउडर है। तो आप इस पाउडर को दीवार के साथ साथ अपने किचन की दीवार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके डालें तो आप देखेंगे सुबह कि आपके घर में सारे कॉकरोचेस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुके होंगे और सारे मर चुके होंगे। ये देखें मैंने थोड़ा थोड़ा करके दीवार के साथ इसको डाल दिया है और आप इसको अपनी अलमारियों के कॉर्नर्स में भी डालें क्योंकि अक्सर कॉकरोचेस जो होते हैं वो अलमारियों की कवाड़ के साथ छुप जाते हैं, उनके अंदर जो आपको सुराख वगैरह अगर हों तो उसमें छुप जाते हैं। तो आप इसको इनके साइड्स पे डाल दें। यहाँ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें और कॉमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।